नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ग्वालियर की बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अटल सभागार पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनकी अगवानी की है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे, जहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तीन पूर्व आईएएस बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदस्यता भी दिला सकते हैं। देखिए, बेहद ही खास दौरा मध्य प्रदेश का माना जा रहा है, जहां हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचे थे और इस दौरान गरीब कल्याण महाअभियान के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और रिपोर्ट कार्ड के साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। और अब देखा जाए तो वो सीधे ग्वालियर निकले हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी की है। अब इसके बाद में बीजेपी कार्य समिति की एक अहम बैठक भी होने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता कपिल गोयल जुड़ गए हैं। कपिल, गृह मंत्री अमित शाह अटल सभागार पहुंचे, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों ने उनका जमकर स्वागत किया है। अब इसके बाद में बीजेपी कार्य समिति की एक बेहद ही खास बैठक होने वाली है, कब तक ये बैठक शुरू होने वाली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज ग्वालियर में अमित शाह का दौरा है। जो गृह मंत्री अभी 10 मिनट पहले ही यहाँ ग्वालियर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से पहुंचने के बाद सीधा वो अटल सभागार में जो कार्य समिति बैठक है उसमें शामिल होने पहुंचे हैं। उनके साथ साथ में भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और गृह मंत्री प्रदेश के नरसिंह मिश्रा साथ में पहुंचे हैं अमित शाह के साथ में। और यहाँ पर वे अटल सभागार पहुंचने के बाद उनकी अगवानी करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी अगवानी की है। अगवानी करने के बाद में दोनों सभी दल के नेता हैं, जो उनके सांसद के दल के और विधायक दल के नेता सभी कार्य समिति की बैठक में वहां पर शामिल हुए हैं। और ये बैठक लगभग यहाँ पे लगभग 4 घंटे जो चलेगी, 4 घंटे के बाद में ही अमित शाह यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस बैठक को यहाँ ग्वालियर में इतना अहम माना गया है, क्योंकि वजह यही है कि 2018 में जो चंबल अंचल की 7 सीटों पर केवल भाजपा ने अपनी जीत हासिल कर पाई, बाकी सब सीटों से कांग्रेस ने अपने पल्ले में झोले में आया था। लेकिन उसके बाद में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी के जाने के बाद में जब एक फिर सरकार और भाजपा की बनी, तो उसको लेकर जो चाणक्य के कहने वाले अमित शाह अब यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल में अपनी कमान संभाल रहे हैं और सभी नेताओं को जीत का मंत्र देने के लिए यहाँ पर ग्वालियर पहुंचे हैं। जी तो बिल्कुल कपिल, ये बैठक इसलिए भी खास मानी जा सकती है क्योंकि ग्वालियर चंबल काफी खास संभाग माना जाता है और ऐसे में वहां पर तमाम रणनीतियां भी अब बीजेपी बनाने वाली है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो 3 पूर्व IAS भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे में गृह मंत्री उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। कौन कौन से वो IAS पूर्व IAS है जो की शामिल होने वाले, और साथ ही अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो इसका कितना असर बीजेपी के चुनावी दौरों पर पड़ने वाला है और साथ ही कितनी मजबूत बीजेपी दिखाई देगी? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कार्य समिति बैठक में जो उनका जीत का मंत्र है वो सभी अपने कार्यकर्ताओं, बीजेपी सांसद और विधायकों को देंगे। लेकिन उसके साथ साथ में अभी एक खबर सामने, सूत्रों से खबर आई है कि 5 जो IAS अफसर हैं, पूर्व IAS अफसर रहे हैं, वो भाजपा ज्वाइन आज करेंगे, जिनमें से वेद प्रकाश शर्मा है वो एक जो 5 IAS अफसरों को जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, इसमें राकेश श्रीवास्तव, आरके मिश्रा, एमके अग्रवाल सहित 5 IAS अधिकारी हैं जो भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं, जिनको गृह मंत्री अमित शाह उनको सदस्य दिलाएंगे। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि भाजपा की किसी नेताओं ने नहीं की है, लेकिन जो खबर जो सूत्रों से सामने आई है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है जो एक बड़ा अहम माना जा रही बैठक थी, जो उसको लेकर आज 5 IAS है जो जाकर इनको सदस्यता ले सकते हैं। जी तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की एक अहम बैठक होने वाली है, 4 घंटे ये बैठक चलेगी, जिसमें कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग को साधने के लिए बीजेपी यहां पर तमाम रणनीति बना सकती है।